वेलकम स्टूडेंट्स टुडे इन द थर्ड पार्ट ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ जिमनोसपम्प्स वी विल कंटिन्यू डिस्कसिंग इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स ऑफ जिम्नोस्पाम्स और इस्पेली उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हैं उसको हम स्टडी करेंगे जो हमारे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जिम्नोस्पाम्प्स का जो ओरिजिन हुआ है वो प्रो से हुआ है और प्रोजिम्नोसपाम्प्स का जो ऑर्डर है वो है एन्यूरोटिल्स जिससे ये जिम्नोस्पाम्स ओरिजिनेट हुए हैं और इसके बाद में हमने एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स की बात की थी और हमने जिम्नोस्पाम्स के जो ईवोल्यूशनरी ट्रेंड्स देखे थे वो उसकी मॉर्फोलॉजी में ट्रेंड्स देखे थे उसके एनाटॉमी के अंदर जो ट्रेंड्स थे वो हमने देखे थे वेस्क्यूलर सिस्टम में जो ट्रेंड्स थे उसको हमने स्टडी किया था और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में जो ट्रेंड थे वो हमने पिछले आ, पार्ट में यानी पार्ट टू में हमने शुरू कर दिया था जिसमें हमने माइक्रोस्पोरोफिल्स के जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स थे उसको स्टडी किया था और व्यूल्स में या मेगा स्पोर एनजियम में जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स थे उसको भी हम पिछले पार्ट में स्टडी कर चुके हैं आज हम स्टडी करेंगे इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड मेल गेमिटोफाइट ऑफ जिमनोसपम्प्स ये वाला इसके अलावा फीमेल गेमिटोफाइट में क्या इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हैं उसको स्टडी करेंगे जो जिम्नोसपम्प्स के आर्चिगोनिया हैं उसके अंदर क्या इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हैं उसको आज हम स्टडी करेंगे और उसके एम्ब्रियो के अंदर जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हैं उसको भी आज हम स्टडी करेंगे सो so, लेट स्टार्ट टूडेज लेक्चर तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर तो लेट्स मूव टू टूडेज फर्स्ट स्लाइड दैट इज इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन पॉलन ग्रेन एंड मेल गै टू फाइट पॉलन ग्रेन आप सभी को मालूम है जिसे माइक्रोस्पोर कहा जाता है और जो जिम्नोस्पॉम्स होते हैं इनमें ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स का जो डेवलपमेंट होता है वो मेल गेमिटोफाइट में शुरू होता है मेल गेमिटोफाइट में ये डेवलप होते हैं ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स और ये स्पोर मदर सेल्स के अंदर जो रिडक्शन डिवीजन होता है या मियोटिक डिवीजन होता है उससे ये ग्रेन फॉर्मेशन होता है और स्पोर्टेट्राट्स बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राट्स तो हम बात करेंगे इन ग्रेन्स में और साथ ही जो मेल गेमिटोफाइट में क्या इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हैं जिम्नोस्पांप्स के अंदर तो अगर माइक्रोस्पोरेंजियम में अगर स्पोर मदर सेल्स की संख्या ज़्यादा है इट इज़ अ प्रीमेटिव करेक्टर और विकास के दौरान व्हाट हैपन नंबर ऑफ स्पोर मदर सेल्स जो थी उनकी संख्या जो थी वो रिड्यूस हो गई तो इफ़ देव अ मोर स्पोर मदर सेल्स इन द माइक्रोस्पोरेंजियम इट इज़ अ प्रिमेटिव ट्रेंड एंड लेस नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इन माइक्रोस्पोरेंजियम इज अडवास करेक्टर दे आर आफ्टर अगर पॉलनग्रेंस की या माइक्रोस्पोरस की संख्या उस माइक्रोस्पोरेंजियम में ज़्यादा है तो वो जिम्नोस्पाम्स जो है, वो ये जो करेक्टर है उन जिम्नोस्पाम्स का ये प्रिमेटिव करेक्टर होगा और विकास के दौरान क्या हुआ जो ग्रेन्स की जो संख्या थी उनमें कमी आ गई यानी स्पोर मदर सेल्स जब कम हो जाएंगी विकास के दौरान तो एडवांस करेक्टर में लेस नंबर ऑफ स्पोर मदर सेल्स होंगी तो ऑब्वियसली जो ग्रेन्स उनसे फॉर्म होंगे उनकी संख्या भी रिड्यूस हो जाएगी सो इट इज़ अ एडवांस करेक्टर इसके बाद में हम बात करते हैं मेल गेमिटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं आपको मैंने शुरू में साइकस पाइनस एफिड्रा में, में मेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ा दिया है और आपने देखा होगा जब मेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट जब होता है तो उसमें प्रोथेलियल सेल विकसित होती है कौन सी सेल विकसित होती है प्रोथेलियल सेल विकसित होती है और प्रोथेलियल सेल के साथ ही एक जो है लार्ज एंथ्रीडियल सेल डेवलप होती है जो बाद में डिवाइड होकर के क्या बनाती है आपकी जेनरेटिव सेल एंड आपकी ट्यूब सेल बनाती है और फिर जब जेनरेटिव सेल से आपका स्टॉक सेल और बॉडी सेल विकसित होती है तो यहाँ पर आपने देखा होगा साइकस में सिर्फ एक ही प्रोथेलियल सेल डेवलप हुई थी पाइनस के अंदर दो प्रोथेलियल सेल्स विकसित हुई थी तो अगर मेल के डेवलपमेंट के दौरान अगर प्रोथेलियल सेल्स की संख्या अगर ज्यादा है जो कि कॉर्डेटेल्स के मेंबर्स में देखी जाती है तो यह एक प्रिमेटिव करेक्टर है लेकिन अगर प्रोथेलियल सेल्स का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है देर आर सर्टन जिमनोसफॉम्स लाइक दैट बिलोंग्स टू द फैमिली टेक्सेसी तो इनके अंदर अगर प्रोथेलियल सेल्स बन ही नहीं रही हैं तो इसका मतलब ये क्या है एक एडवांस करेक्टर है सो नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ प्रोथेलियल सेल इज अ प्रमेटिव करेक्टर एंड नो प्रोथेलियल सेल फॉर्मेशन अगर है तो ये एडवांस करेक्टर है जो कि टेक्सेसी के मेंबर्स में देखने को मिलता है और जब मेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो दो मेल गेमीट्स विकसित होते हैं और मैंने साइकस के केस में आपको बताया था कि उस केस में वो जो मेल गेमीट्स डेवलप होते हैं जो कि बॉडी सेल से विकसित होते हैं वो मेल गेमीट्स जो हैं वो साइकस के अंदर आपने देखा होगा मोटाइल थे तो साइकेडोफाइटा में मोटाइल मेल गेमिट्स का पाया जाना या गेंगो के अंदर गेंगो में भी एंथ्रोजॉइड्स मोटाइल होते हैं इसीलिए इनको लिविंग फॉसिल कहा जाता है साइकस और गेंगो को क्योंकि ये एक बहुत प्रिमेटिव करेक्टर है सो प्रेजेंस ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ मोटाइल एंथ्रोजॉइड इन साइकेडोफाइटा और इन गेंगो इट इज़ अ प्रिमेटिव करेक्टर और विकास के दौरान जो ये अनिवार्यता थी कि एंथ्रोजॉइड्स जो मोटाइल होने थे जो कि लोअर प्लांट्स के अंदर पाए जाते थे लेकिन जिमनोस्पाम्पस के अंदर एंड एनजीओ के अंदर साइफोनोगेमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है इसका मतलब वाटर इज़ नॉट असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन तो एंथ्रोजॉइड्स की मोटिलिटी जरूरी नहीं है कि वो मोटाइल हों या फ्लैजिलेटेड हों ओके तो विकास के दौरान ये जो एंथ्रोजोइड्स जो कि लोअर या प्रिमिटिव जिमनोसपम्प्स के अंदर डेवलप हुए थे ये बाद में नॉन फ्लैजिलेटेड हो गए क्योंकि फर्टिलाइजेशन पॉलन ट्यूब के द्वारा होता है नॉट विद दी हेल्प ऑफ अ फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड सो प्रेजेंस ऑफ नॉन मोटाइल एंथ्रोजॉइड इन कोनीफरेस्ड इज एन एडवांस्ड करेक्टर इसके बाद हम बात करेंगे फ़ीमेल गेमिटोफाइट में क्या इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखने को आया तो आप सभी को मालूम है कि फीमेल गेमिटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो एक फंक्शनल मेगा स्पोर जो आउट ऑफ फोर फंक्शन मेगास्पोर्स जो लीनियर ट्रेट्राड बनता है मेगास्पोर मदर सेल्स से उसमें से एक फंक्शनल मेगा स्पोर ही बचा रहता है बाकी के तीन डीजेनरेट हो जाते हैं और उस फंक्शनल मेगा स्पोर्ट से फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो उस फीमेल गेमिटोफाइट के डेवलपमेंट में दो चीज देखने को मिलती है एक तो आर्चीगोनिया का विकास तो देर आर सर्टेन एडवांस जिम्नोसपम्प जिसके अंदर आर्चीगोनिया विकसित ही नहीं होते तो अगर आर्चीगोनिया विकसित ही नहीं होते लाइक इन केस ऑफ एंजिओस्पाम एनजियोस्पाम में भी आर्चीगोनिया एबसेंट होते हैं उनमें आर्चीगोनिया नहीं पाए जाते हैं तो एबसेंस ऑफ आर्चीगोनिया इज इज एन एडवांस्ड करेक्टर बट इन मोस्ट ऑफ द जेमनोस्पाम्स जो आर्चीगोनिया विकसित होता है फीमेल गेमिटोफाइट में तो ये एक प्रेमिटिव करेक्टर है तो विकास के दौरान क्या हुआ आर्चीगोनिया जो है वो डिजेनरेट हो गया खत्म हो गया वो विकसित ही नहीं हुआ डीजेनरेट नहीं हुआ वो विकसित ही नहीं हुआ दूसरी चीज जो आर्चीगोनिया डेवलप हुआ उस आर्चीगोनिया के अंदर जो नेक थी वो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पाम्स में बहुत छोटी नेक पाई जाती है आपको साइकस ने भी देखा होगा आपने बहुत छोटी नेक थी आई थिंक फोर सेल नेक थी जिसके अंदर वो भी एक टीयर में थी पाइनस के अंदर उससे थोड़ी लंबी नेक थी और लेकिन एफिड्रा में आपने देखा होगा काफ़ी लंबी नेक थी आई थिंक थर्टी फाइव सेल या थर्टी सिक्स सेल लॉन्ग फ्लैशी नेक थी तो स्मॉल नेक ऑफ आर्चिगोनिया इज़ अ प्रिमेटिव करेक्टर बट लॉन्ग फ्लैशी नेक ऑफ आर्चिगोनिया इन एफिड्रेल्स इज एन एडवांस करेक्टर क्या है ये एक एडवांस्ड करेक्टर है दूसरी चीज जितने भी जिम्नोस्पाम्स होते हैं उसके आर्जीगोनिया के अंदर ना ही नेक कैनाल सेल्स विकसित होती है और ना ही वेंटर कैनाल सेल वेंटर कैनाल सेल देर आर सर्टेन जिम्नोस्पाम्स जिसके अंदर विकसित होती है बाकी वेंटर कैनाल न्यूक्लियस विकसित होता है सो इफ देयर इज नो नेक कैनाल सेल एंड नो no वेंटर कैनाल सेल इट इज़ एन एडवांस्ड करेक्टर ओके अब हम फाइनली आते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन एम्ब्रियो में तो जिम्नोसपम्स का जो एम्ब्रियो होता है उसके विकास के दौरान आपने देखा होगा जो डिप्लॉइड जयगॉड बनता है ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट जो जयगॉट बनता है उस जायगॉट का न्यूक्लियस जो होता है वो इट अंडरगोस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन तो देयर आर आर मैनी जिम्नोसपॉम्प जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाता है so इट इज़ अ primitive character बट ड्यूरिंग the कोर्स ऑफ एडवांसमेंट what happened the फ्री न्यूक्लियर division हैज़ reduced तो अगर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन रिड्यूस्ड है तो इट इज़ एन एडवांस करैक्टर तो इवोल्यूशन के दौरान एम्ब्रियो के विकास के दौरान जो फ्री न्यूक्लियर डिविज़न जो था उस वो जो है वो रिड्यूज हो गया एडवांस मेम्बर्स के अंदर और दूसरी चीज़ जो एम्ब्रियो विकसित हुआ वो एम्ब्रियो में अगर वो पॉलीकॉट एम्ब्रियो है यानी उसके अंदर मल्टीकोटाइलिडस अगर हैं एम्ब्रियो के अंदर तो इट इज़ अ प्रिमेटिव कैरेक्टर लेकिन अगर एम्ब्रियो में उसकी संख्या दो है यानी डाइकोटाइलिडनस टाइप ऑफ एम्ब्रियो है जैसा कि एनजीओसपम्प में भी मिलते हैं तो इस तरह के एम्ब्रियो जो हैं दे आर एडवांस टाइप ऑफ एम्ब्रियो तो विकास के दौरान एम्ब्रियो की संख्या पॉलीकोट से डायकॉट हो गई तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि हमने सारे इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स जिम्नोसपॉम्प के स्टडी कर लिए दैट्स ऑल अबाउट माई टू लेक्चर थैंक यू